हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नीता। कल हमने देखा कि व्हाई गोल्स आर इम्पॉर्टेंट। नाउ टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाई थॉट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ इंटर रिलेटेड। कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट, आप क्या सोच रहे हो, वही आपको आपके रिजल्ट्स देता है। इसके लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। समझो एक फार्मर है एंड उसके पास दो बीज है ना। एक कॉर्न का बीज है जो मका होता है अपना स्वीट कॉर्न, एंड दूसरा उसके पास एक जहरीला पेड़ का बीज है। ठीक है, अब ये जो दो बीज है वो उसने अपने फार्म में लगा दिए। उसने गड्ढा खोदा, उसके अंदर एक कॉर्न तरफ कॉर्न एक तरफ ये पॉइजनस प्लांट का बीज लगा दिया, एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ बोथ ऑफ देम। नाउ सॉइल डजंट केयर कि वो क्या बो रहा है। सॉइल में जो जाएगा वो वैसे ही उसे रिप करेगी, है ना। व्हाट यू सो दैट यू कैन रिप। सो अगर आपने कॉर्न बोया है तो आपको कॉर्न के बदले में कॉर्न ही मिलेंगे। अगर आपने पॉइजनस प्लांट बोया है तो आपको पॉइजन ही इन रिटर्न मिलेगा। इन द सिमिलर वे, अगर आपका थॉट प्रोसेस जो है वो निगेटिव है तो अफकोर्स आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि थॉट क्या रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली थॉट्स से ही अपना पर्सनालिटी बनता है। थॉट्स ही हमें जो हमारी लाइफ में चाहिए, हमें जो बनना है उसको लीड करते हैं। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मायने नहीं रखते या फिर उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते बिकॉज सम हाउ वी फील इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट आई एम थिंकिंग, नो वन इज लिसनिंग and what it matters because it's in my mind। generally हम लोग को जो भी चीज़ें free में मिली है ना उसे हम underestimate करते हैं। underestimate in the sense कि हम उसका उतना अच्छे से ख्याल नहीं रखते या फिर हम उसको ignore करते हैं या फिर हम इसको taken for granted लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए ना तो प्रकृति ने जो हमें फ्री दिया है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, और जैसे के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो तो आसानी से मिल जाता है। जैसे हमारी रूह, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारे प्यार करने वाले, हमारे पेरेंट्स, हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे फ्रेंड्स, ये प्रकृति, हवा, पानी, ये सारी ही चीज़ें, एक्चुअली ये सारी चीज़ें अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन हमें क्योंकि वो फ्री में मिला है तो हम उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, एंड समहाउ जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए हम पैसे खर्च करते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ पैसे खर्च किए हैं। तो बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरा माइंड कितना पावरफुल है, एंड इस माइंड से एक्चुअली मुझे जो चाहिए लाइफ में वैसे रिजल्ट मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो वाई डोंट एक्चुअली वी टेक द एडवांटेज ऑफ इट। बेसिकली अगर हमने हमारे थॉट्स को एक चैनल दे दिया कि किस वे से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, जैसे कल के वीडियो में गोल्स के बारे में जब मैं बात कर रही थी तो मैंने दो जहाज़ के बारे में बात किया था। तो जैसे जिस जहाज़ को पता है कहाँ जाना है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पहुँचेगा। तो अगर आपके माइंड को पता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो ऑटोमेटिकली वो उसी तरफ जाएगा। अगर आप नेगेटिव सोच रखोगे, आप बहुत ज़्यादा हमेशा संभावना रखोगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती, ऐसे शंका कुशंका अगर आप रखेंगे, फियर आपके मन में हमेशा रहेगा, तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। तो बेसिकली अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेस को ग्रैब करना है, तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए कैसे काम करना है, क्या करना है, वो हम आने वाले वीडियो सीरीज में देखते रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।